यह sam ग संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का गुणा भाग इस वीडियो में हम सीखेंगे संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का गुणा संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का भाग बच्चों आप संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को जोड़ना तो जानते ही हैं, तो क्या आप तीन प्लस तीन को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं हाँ ये तो बहुत आसान है इसके लिए बस हम एक संख्या रेखा बना लेंगे और फिर जीरो से शुरू करते हुए संख्या तीन पर पहुंचेंगे क्योंकि हमें तीन में तीन जोड़ना है तो यहां से तीन संख्या दाई ओर बढ़ेंगे और अब हम आ गए संख्या छह पर यही तीन और तीन का योग होगा आपने ध्यान दिया यहाँ हमने तीन को दो बार जोड़ा है और ये तो आप जानते ही हैं कि गुणा का मतलब किसी संख्या को बार बार जोड़ना होता है तो यहां हम तीन प्लस तीन यानी तीन को दो बार जोड़ने को दो गुणा तीन लिख सकते हैं यानी दो गुणा तीन को हम संख्या रेखा पर इस तरह दर्शा सकते हैं अरे वाह आपको तो दो पूर्ण संख्याओं के गुणा को संख्या रेखा पर दर्शाना आ गया चलिए अब इसी तरह पांच गुणा चार को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं पांच गुणा चार यानी चार को पांच बार जोड़ना तो पांच गुना चार को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हम संख्या रेखा पर चार को पांच बार जोड़ेंगे इसके लिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बना लेंगे और अब जीरो से शुरू करते हुए चार तक चलेंगे चूंकि हमें अब चार को जोड़ना है तो अब हम चार संख्या दाई तरफ बढ़ेंगे यानी चार से पांच पांच से छ छह से सात और सात से आठ तक तो अब हम आ गए संख्या आठ पर और अब फिर चार जोड़ना है तो अब फिर से चार संख्या दाई तरफ बढ़ेंगे यानी आठ से नौ नौ से दस दस से ग्यारह और ग्यारह से बारह पर तो अब हम आ गए संख्या बारह पर और अब हमें फिर से चार जोड़ना है तो एक बार फिर से चार संख्या दाई तरफ बढ़ेंगे यानी हम पहुंचे सोलह पर अब हमें एक बार फिर से चार जोड़ना है तो एक बार फिर से चार संख्या दाई ओर बढ़ेंगे और हम पहुंचे बीस पर और यही पांच गुणा चार का उत्तर होगा है ना आसान अच्छा अब क्या आप छह माइनस तीन को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं हाँ ये तो बहुत आसान है इसके लिए बस हम एक संख्या रेखा बना लेंगे और फिर जीरो से शुरू करते हुए संख्या छ पर पहुंचेंगे चूंकि हमें छ में से तीन को घटाना है तो हम तीन संख्या बाई ओर, यानी छ से पांच, पांच से चार और चार से तीन पर चलेंगे और अब हम आ गए संख्या तीन पर यही छ माइनस तीन का उत्तर होगा अब क्या आप इस छ में से एक बार फिर से तीन को घटा सकते हैं यानी कि अब हमें छ में से दो बार तीन को घटाते हुए संख्या रेखा पर दर्शाना है हाँ छ में से एक बार तीन घटाया तो हम तीन पर पहुंचे एक और बार तीन के लिए हम तीन से तीन संख्या बाई ओर चलेंगे यानी तीन से दो दो से एक और एक से जीरो पर तो अब हम आ गए संख्या जीरो पर और यही जीरो छह माइनस तीन माइनस तीन का उत्तर होगा बच्चों ये तो आप जानते ही हैं कि बार बार घटाने की प्रक्रिया को हम भाग कहते हैं यहां हमने छह में से तीन को दो बार घटाया है यानी हमने छ को तीन से भाग दिया और भाग फल दो मिला क्योंकि घटाने पर शेष फल हमें जीरो मिला यानी भाग पूरा पूरा गया है देखा आपने कैसे हमने छ भाग तीन को संख्या रेखा पर दर्शाया आइए अब नौ भाग चार को संख्या रेखा पर दर्शाएं। नौ भाग चार यानी नौ में से चार को तब तक घटाना है जब तक जीरो या चार से छोटी संख्या न मिल जाए इसके लिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बना लेंगे और अब जीरो से शुरू करते हुए संख्या नौ तक पहुंचते हैं चूंकि हमें नौ को चार से भाग देना है यानी हमें चार को घटाना है तो हम बाई ओर चार संख्या यानी नौ से आठ आठ से सात सात से छ और छ से 5 पर चलेंगे अब हम आ गए संख्या 5 पर चूंकि 5 चार से बड़ा है तो फिर से चार को घटाएंगे और फिर से चार संख्या बाई ओर चलेंगे यानी अब हम पहुंच गए संख्या एक पर और एक चार से छोटी संख्या है यानी हमारा भाग पूरा हुआ जरा गिन के बताइए हमने नौ भाग चार में कितनी बार चार को घटाया एक और दो यानी कुल दो बार तो भागफल होगा दो और घटाने के बाद शेष कितना बचा एक ना तो एक हो जाएगा शेष फल यानी नौ को चार से भाग देने पर भागफल दो और शेष फल एक मिला आइए अब कुछ सवाल जवाब हो जाए तो बताइए इनमें से दो गुना तीन को हम क्या लिख सकते हैं हां तीन प्लस तीन बच्चों दो गुना तीन का मतलब हुआ तीन को दो बार जोड़ना अब इस रिक्त स्थान को पूरा करिए आ, संख्या रेखा पर दो गुना चार को दर्शाने के लिए चार को दो बार जोड़ेंगे इस खाली स्थान में क्या आएगा बिल्कुल सही पांच बताइए ये कथन सत्य है या असत्य हाँ ये कथन सत्य है कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का गुणा दर्शाने के लिए संख्याओं को बार बार जोड़ा जाता है अब इस रिक्त स्थान को पूरा करिए आ, संख्या रेखा पर चार भाग दो को दर्शाने के लिए चार में दो को बार बार घटाएंगे बताइए ये कथन सत्य है या असत्य आ, ये कथन सत्य है कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का भाग दर्शाने के लिए संख्याओं को बार बार घटाया जाता है बताइए यह कथन सत्य है या असत्य हाँ, ये कथन सत्य है कि पांच भाग दो को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए पांच में से दो को तब तक घटाएंगे जब तक जीरो या दो से छोटी संख्या न मिल जाए हम्म बारह को चार से भाग करने पर भागफल तीन आता है तो बताइए संख्या रेखा पर बारह भाग चार को दर्शाने के लिए बारह में चार को कितनी बार घटाएंगे हाँ, तीन बार बिल्कुल सही बच्चों वर्कबुक में संख्या रेखा पर गुणा भाग के प्रश्नों का खूब अभ्यास करेंगे तो आपको ये बहुत मजेदार लगने लगेगा अभ्यास करते रहना ठीक है बच्चों अब मैं जाती हूं। कल फिर मिलने आती हूँ इंग्लिश में अब होंगी बातें मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो गतिविधियाँ क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन और हाँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।